आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त दिल्ली के लोधी रोड पर प्रदर्शन। दावा यह है कि एनसीडी चुनावों के दौरान एक तरफ जहां बीजेपी कह रही थी जहां झुग्गी वही मकान, वहीं दूसरी तरफ चुनावों के बाद अब साउथ दिल्ली के कई सारे स्लम्स को नोटिसेस दिए जा रहे हैं। महिलाएं तखत देके बैठी हुई हैं, पोस्टर्स के साथ बैठी हुई हैं। भाजपा वालों शर्म करो, झुग्गियां तोड़ना बंद करो, ये दावा है, आरोप है आम आदमी पार्टी का। और आम आदमी पार्टी के कई सारे विधायक इस प्रदर्शन में शामिल हैं। आतिशी जी, आप ये दावा कर्गियों पे बुलडोजर चल कहां रहा है? देखिए, अलग अलग स्लम्स में नोटिस लग गया है। सबसे पहले कालिका जी में लगा, महरोली में लगा, और अब तुगलकाबाद गांव में जहां पे झुग्गियां हैं, छोटे छोटे मकान हैं, 50-60 हजार लोग रहते हैं, वहां पर भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे का नोटिस लगा है कि वहां पर बुलडोजर चलाया जाएगा। वहां पर बहुत पैरामिलिट्री फोर्स आ गई है और उस पैरामिलिट्री फोर्स ने लोगों को अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल दिया। तो चुनाव से पहले एक वादा किया जाता है कि इनको मकान देंगे, चुनाव खत्म होता है तो ये लोग इलीगल हो जाते हैं, ये लोग इंक्रोचर हो जाते हैं, ये अवैध कब्जा करने वाले हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले झूठ बोलती है और अब उनका असली गरीब विरोधी चेहरा दावा क्या है? एक मोहल्ले में हो रहा है, एक स्लम में हो रहा है या कई सारे स्लम में? सारे स्लम्स में हो रहा है। कालिका जी में, नवजीवन कैंप, नेहरू कैंप में हो रहा है, तुगलकाबाद गाँव में हो रहा है, महरौली में हो रहा है, बदरपुर के सुभाष कैंप में हो रहा है, जगह जगह पर झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने का काम हो रहा है। यहाँ पे देखिए, लोधी रोड पे लगातार नारेबाजी चल रही है, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रखी है। ये एक बिजी स्ट्रीट है जहाँ पे लगातार ट्रैफिक निकलता है और वजह यह है कि पास में ही साउथ दिल्ली के जो सांसद है रमेश बिधूरी का आधिकारिक ऑफिशियल आवास है और लगातार बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लोगों का दावा है मोहल्लों में झुग्गियों में नोटिस लगा है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि नोटिस साउथ दिल्ली के कई सारे झुग्गियों में लगा है। साफ तौर पे एमसीडी चुनावों के बाद दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जो राजनीतिक संग्राम है। वीडियो सहयोगी प्रशांत के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली।